ग्वालियर में धारा 144 का उल्लंघन साफ साफ रविवार के दिन देखा गया। तो रविवार की रात्रि में गोलिका मंदिर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मैरिज गार्डन में 20 से 25 लोग पार्टी मना रहे थे। ये लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए अवैध रूप से यहाँ पर इकट्ठा हुए और खाने पीने की पार्टी यहाँ इनकी चल रही थी, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मैरिज गार्डन संचालक के खिलाफ, साथ ही यहाँ पर मौजूद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और इस मामले में गार्डन के संचालक अमन कुशवाहा को भी मौके से गिरफ्तार किया था और गार्डन के मालिक शिव कुमार कुशवाहा पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। हमारे संवाददाता राहुल पर्या ने यहाँ पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पुलिस अधिकारी से ही बात की कि किस तरह से लॉकडाउन के बीच ये लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी है इसको लेकर लोगों के बीच में अभी भी भ्रामकता है और वे इसको हल्के में ले रहे हैं, जबकि इससे अगर कोई बड़ा हादसा भी ग्वालियर में हो सकता था। देखिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता राहुल पर्या की खबर।